ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो पापा, सारा दूध बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो किसी गरीब को पिला ही देते, कम से कम पेट तो भरता उसका। पता नहीं अंधविश्वास कब खत्म होगा लोगों का। बेटा तू उन्हें पूजा करने दे, तू आ मेरे साथ बैठ। बेटा इसमें गलती तेरी नहीं, गलती शायद मेरी ही है, जो मैं अपनी नौकरी, पैसा कमाने में और तुझे एडुकेशन देने में इतना बिजी रहा कि शायद तुझे संस्कार देना ही भूल गया। बेटा तुझे पता है शिवलिंग होता क्या है? नहीं पता ना? कोई बात नहीं, तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शिवलिंग होता क्या है। लोग अपने अपने हिसाब से उसका अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन असल में शिवलिंग माँ पार्वती और शिव का स्वरूप है, जो पूरी सृष्टि के निर्माता है। और रही बात तेरे जल और दूध की, तुझे पता है कि शिवलिंग पे जल और दूध क्यों चढ़ाया जाता है? ये भी नहीं पता? समुन्दर मंथन के वक्त समुन्दर में से बहुत सारा विष निकला था, और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने उसे धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया और उनके शरीर में बहुत जलन होने लगी। और उनकी इसी पीड़ा को समाप्त करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव जी पर जल और दूध का अभिषेक किया। इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि हमारे महादेव इतने भोले हैं कि वो तो मात्र जल, दूध और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा महादेव का अभिषेक करने के लिए जल में दूध का अंश भर ही काफी होता है। और रही बात तेरे दूध वेस्टेज की बेटा, तो वेस्टेज तो लोग भी बहुत सारी करते हैं। वो महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन खाना छोड़ के आ जाते हैं। आप लोग बर्थडे बनाते हो, केक लाते हो खाने के लिए, लेकिन उसे मुंह पे मल देते हो। अगर यही खाना और केक आप किसी गरीब को दे दो तो उसका दो वक्त का पेट भर जाएगा। बेटा मुझे एक बात बता, आज तो 25 साल का हो गया है, तूने आज तक कितनों को दूध और खाना खिलाया? बता बता, किसी को भी नहीं ना? जब भगवान को जल चढ़ाने या दूध चढ़ाने की बारी आती है तभी हमें वेस्टेज और समाज सेवा याद आती है। बेटा मैं नहीं कहता कि मॉडर्न मत बनो, लेकिन अपने संस्कारों को हमेशा साथ लेके चलो। मैं तो तुझे ये बात बताना भूल गया, लेकिन तू ये बात अपने बच्चों को बताना मत भूलना, समझा? हाँ पापा। चल आज के लिए बहुत है, पूजा करने चले। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बेटा। अंकल, हर हर महादेव। अरे हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ धर्म की शिक्षा जरूर बांटें।